So good morning students. Today once again we will start with our series LCR circuit, continue with the analytic solution. So we will hear series LCR circuit. तो हमने बेटा क्या देखा था, हमने स्टार्ट किया था एक सर्किट से एल सी एंड आर, उसका एनालिसिस किया था बेटा, फेजर एनालिसिस वॉज ऑल्सो देयर एंड एनालिटिक सोल्यूशन ऑल्सो वी स्टार्टेड विद एंड वी गॉट वी इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी माइनस वी एल ब्रैकेट स्क्वेयर. आर गेटिंग माई पॉइंट दैट? Okay, and from that we got the equation. We started with column ne kiya tha V is equal to Qm omega z, hai na, Qm omega z. Aur yahan pe humne phi ko introduce kiya tha. Wo phi ko introduce karke we got cos omega t plus theta minus phi. So that was the last equation. So this equation we derived it last. So now, but we know that, अभी आपको मालूम है, but we know that, क्या मालूम है, V is equal to Vm, V not बोलो, Vm बोलो, कुछ problem नहीं है, आपके NCERT में Vm दिया है, इसलिए मैं उसको Vm बोल रहा हूँ, हाँ बेटा, बाकी कुछ नहीं है, वो peak value है, Vm sin omega t. तो कंपेयरिंग ये इक्वेशन वन, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन वन एंड दिस एज इक्वेशन टू. तो अगर मैंने उसको कंपेयर किया तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी विल गेट वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव. ये मुझे मिल गया. बिफोर दैट लेट मी क्लियर यस्टरडे लेक्चर मींस ऑन सैटरडेज लेक्चर बाय मिस्टेक आई रोट टैन, है ना, टैन फाइव लिखा था मैंने, है ना बेटा, तो टैन फाइव लिखा था आर अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल. ओके, तो उसको इनवर्स लिखना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आपका टैन फाइव जो मिल जाएगा, टैन फाइव, सो ऑलवेज यू विल टेक दैट आर अपॉन एक्स सी माइनस एक्सएल. बट तो यहां पे लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टैन इनवर्स फाइव. तो वहां पे आप एड करो कल के लेक्चर में जो मैंने टैन फाइव का वैल्यू दिया था, तो टैन इनवर्स लिखने का और लिखने का एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर. प्लीज अपडेट इन नोट्स, प्लीज अपडेट इन नोट्स. ये अपने नोट्स में अपडेट करो. तो क्या होगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं बोलते बोलते वो इनवर्स बोलना भूल गया, वो इनवर्स होना चाहिए, बराबर है. सो आई एम हैप्पी दैट माई स्टूडेंट्स आर दैट मच ऑफ मीन्स वॉट आई कैन से, इतना अपडेटेड है कि वो तुरंत एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर थोड़ा सा अभी इस मिनट को आपने जो बोला है उसमें इनवर्स नहीं लिखा है आपने. सो आई एम हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम, गुड इट इज़. I don't want to take the name of the student, but एक student ने मुझे इतला किया है, good it is. Okay, तो ये बन गया आपका tan phi. तभी हम आगे जाते हैं. तो बेटा आगे जाने के लिए, हम क्या use करेंगे, ये formula अपना use करेंगे. क्या बनेगा अपना, Vm sin omega t is equal to Qm. तो यहां पे जो अपना Vm है,
आई कैन कंपेयर माई वी एम विथ क्यू एम ओमेगा जेड. सो कंपेयरिंग, तो अगर मैंने कंपेयर किया इक्वेशंस को, इफ आई कंपेयर द इक्वेशंस, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मुझे क्या मिलेगा? नंबर वन क्या मिलेगा? वी एम विल बी क्यू एम ओमेगा इंटू जेड. तो क्या मैं लिख सकता हूँ? वी एम इज इक्वल टू, इसको बोल सकता हूँ मैं आई एम पीक वैल्यू इंटू जेड. सो वी गेट क्या मिलेगा अपन को? आई एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा. ये भी आपको मैंने कल बताया था. आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस. ओके, तो ये बन गया नंबर वन और ये बन गया नंबर टू. तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करके लीजिए. इसके बाद तुरंत हम जाते हैं नेक्स्ट चीज के लिए. वो क्या है? साइन ओमेगा टी. यहाँ पे क्या बन गया है? ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ माइनस, सॉरी, थीटा माइनस फाइ. तो कहाँ पे अपना ये जो है ये वैल्यू सेम हो जाएगा? तो अगर मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा, इफ आई राइट कॉस ए माइनस बी, इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो इसी को अगर मैंने यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू किया, अगर ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू किया, तो मेरे को क्या मिलेगा? कॉस ओमेगा टी कॉस पाई बाय टू, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस, साइन ओमेगा टी साइन पाई बाय टू. देयरफॉर मेरा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा जीरो. तो ये पूरा जीरो बन गया. साइन पाई बाय टू ये वन बन जाएगा, तो मेरे को मिलेगा साइन ओमेगा टी. तो अगर साइन ओमेगा टी अपन को यूज करना है, तो देयरफॉर माई ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइ शुड बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो ओमेगा टी है यहाँ पे. देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ? थीटा माइनस फाइ शुड बी इक्वल टू माइनस पाई बाई टू. इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ओके, इसको आप बाजू में लिख के रखिए. तो ये एक स्टेप हुआ. अभी आगे हम क्या करेंगे? अगर थीटा माइनस फाइ ये पाई बाय टू है, तो देयरफॉर व्हाट विल बी माय थीटा बिकम? थीटा विल बी माइनस पाई बाय टू प्लस फाइ, और फाइ माइनस पाई बाय टू, ये मिलेगा मुझे थीटा का वैल्यू. सो यहाँ पे मुझे थीटा का वैल्यू मिल गया. तो अगर मैंने थीटा को माइनस पाई बाय टू प्लस फाइ रखा, तो मेरा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइ विल बिकम. सो इफ we put theta is equal to minus pi by 2 plus phi, then we get cos omega t plus theta minus phi to be equal to sin omega t. तो अगर मैंने उसका वैल्यू रख दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? If we put theta minus phi is equal to minus pi by 2 plus phi, theta is equal to minus pi by 2 plus phi, तो मुझे क्या मिलेगा? cos omega t plus theta minus phi, ये मिलेगा sin omega t. कैसे मिलेगा? cos omega t plus ये theta minus phi, तो theta कितना है? minus pi by 2 plus phi minus phi, plus phi minus phi cancel हो जाएगा, और cos omega t minus pi by 2 मिलेगा, वही अपना बनेगा sin omega t. Therefore, अभी मुझे क्या मिलेगा? अगर अपन को करंट का भी लिखना है, करंट का भी इक्वेशन लिखना है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा, ये एंगल मिल गया. Therefore, for current also, we can write यही इक्वेशन. जैसे मैंने वी एम साइन ओमेगा टी को कंपेयर किया, तो यहां पे लिखेंगे आई
क्यू एम ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा, आई एम इंटू जेड, आई एम इंटू जेड लिखा तो वो मेरा इक्वेशन बन जाएगा. ओके, सो फॉर करंट, तो करंट के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम उस इक्वेशन में जाते हैं. ओके, मेरा क्या मिलेगा, सो वी इज इक्वल टू आई एम इंटू जेड साइन ओमेगा टी. तो फिर से ये मेरा इक्वेशन बन गया वोल्टेज के लिए और करंट के लिए भी बना सकते हैं. तो दिस वॉज द एनालिटिकल सॉल्यूशन अबाउट द सीरीज एलसीआर सर्किट. तो बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा वो चीज़ का भी हम डिस्कस करेंगे. आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर. अपने एक नोटबुक ले लो, नोटबुक में थोड़ा थोड़ा उसको नोट डाउन करने का ट्राई करो और अपने आपको लिखने को आता है या नहीं आता है वो ट्राई करो विदाउट वॉचिंग द वीडियो. मतलब पहले वॉच करो, पहले वीडियो को देखो, दो बार, तीन बार, चार बार देखो, नोटबुक रीड करो. बाद में एक कोरा कागज लेके टेक वन पेन एंड ट्राई टू राइट बोथ फेजोर सॉल्यूशन एंड एनालिटिक सॉल्यूशन. आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑन दैट. सरप्राइज टेस्ट होगा आपका. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोला आपको, फेजोर सॉल्यूशन और एनालिटिक सॉल्यूशन एक बार बिना देखे हुए करके देखो, लिख के देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो अपना tan इनवर्स 5, ये xc माइनस xl अपॉन r बन जाएगा. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कल थोड़ा सा बताया था, वो भी चेंज करके ले लो. दो दो बार बता रहा हूँ, वैसे तो मैं ऐसे ही आगे जा सकता था क्योंकि इधर उधर एक साइन का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. ये वो वीडियो जाके देखो, उसमें जो है उस टाइम आपने जो नोटबुक में नोट डाउन किया है, मेंशन किया है, उसको भी आप चेक करके उसमें चेंज करो. खाली इनवर्स डालने का है, बाकी कुछ नहीं है. तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट. ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटली स्टडीड द सीरीज एलसीआर सर्किट. तो किन किन बच्चों ने बीच में कुछ डाउट पूछे थे, वो डाउट का लेक्चर भी वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड इट. बट व्हेन आई विल अपलोड, आई विल नॉट गारंटी, मीन्स टुडे ओनली, टुमारो ओनली. तो मेरे को अभी जब टाइम मिलेगा, शायद अभी तक रेडी भी होगा, अभी देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है. ओके, सो वेट फॉर सम टाइम, आई विल कम अप विथ दोज प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स. ओके, एंड आई रिक्वेस्ट दैट डाउट अगर आपको देना है ना, अगर वो एडवांस का वगैरह है, एडवांस मेंस का वगैरह है, तो आपको थोड़ा पहले दे दो. मुझे क्या होता है, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ता है ना. आई एम नॉट आइंस्टाइन, आई एम नॉट साइंटिस्ट, आई एम ए कॉमन मैन लाइक यू ओनली. ओके, थोड़ा पहले सॉल्व करूँगा तो उस टाइम अपन का टाइम कम जाएगा. आप देते हो मुझे, व्हाट्सएप पे भेजते हो, नो प्रॉब्लम. खाली थोड़ा एक दो दिन पहले भेजा तो मैं देख के रखूँगा, आराम से उसका सब सॉल्यूशन वगैरह तैयार रखूँगा, तो अपना टाइम कम जाएगा. दैट इज माय थिंग. ओके, डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं लेकिन बीच में इधर उधर राइटिंग में कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो फिर से वो उसको देखते हैं, वो कहाँ गलती हो गई, वो उसमें टाइम जाता है. और अपन के लिए अभी राइट नाउ द टाइम इज मनी फॉर अस, सो वी हैव टू यूटिलाइज अवर टाइम. इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. डाउट कौन सा भी पूछो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, स्काई इज द लिमिट फॉर दैट, नो प्रॉब्लम. ये मेरा जिम्मेदारी है, डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा. थोड़ा एक दो दिन पहले आपको अगर हो सके तो भेजते रहो. मतलब आपका अभी आज मंडे है, तो आज आपका डाउट मेरे को आना चाहिए, तो कल के लिए मैं आज ही तैयार रखूँगा ना, आज पूरा तैयार करके रखूँगा, कल आपका डाउट डायरेक्टली फटाफट डिस्कस हो जाएगा. सो नंबर ऑफ डाउट्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज, डिस्कशन ऑफ द नंबर ऑफ डाउट्स दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. ये बनेगा सही प्रोसेस और सब बच्चों को भी उसका फायदा होगा अगर हम उसका यूट्यूब लाइव वगैरह कर रहे हैं तो. सो आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर यूट्यूब लाइव. तो आपका जो डाउट है वो डायरेक्टली, ज़्यादा उधर बोलने का कुछ नहीं रहेगा, बाद में 5-10 मिनट के लिए गूगल मीट करेंगे,
ऐसा कुछ तो करेंगे. ओके, आई एम थिंकिंग फॉर दैट. मुझे थोड़ा उसके ऊपर विचार करने दो, आई विल डू दैट. ओके, तो अभी चलते हैं आगे के लिए. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्योर आर. तो ये रिवाइज कर रहा हूँ, प्योर आर. प्योर आर के लिए क्या है? रेजिस्टेंस आर ही रहता है. ओके, पीक वैल्यू आई नॉट. हाँ, आई नॉट और आई एम. ओके, तो पीक वैल्यू कैसे लिखेंगे? आई नॉट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर ना, E इज इक्वल टू आई आर. तो आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर. बन जाएगा करंट एंड वोल्टेज दे विल बी इन फेज. करंट वोल्टेज फेज में हो जाएगा. प्योर L लिखा मैंने, प्योर L. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एक्स एल लिखेंगे इक्वल टू ओमेगा L. तो आपका आई नॉट कितना बन जाएगा? आई नॉट विल बी इक्वल टू, देखो हाँ, आई नॉट विल बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो जरा, एल डी आई बाई डी टी होता ना. हाँ, तो कितना हो जाएगा? आई नॉट विल बी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल. ओ सॉरी, ओमेगा एल नहीं, सॉरी, आपका एक्स एल. आई lags behind V pi pi by 2. यहाँ पे वोल्टेज में E लिखेंगे, E मतलब अपना वोल्टेज लिखा है ना हमने, तो उसके बीच में हम ये नहीं करेंगे. सो ये जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, आप नोट डाउन करके रखो, नहीं तो वो पेज निकाल के उसका थोड़ा रिवाइज करो. दो दो तीन तीन बार बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लो इसको. नहीं तो ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा जरूरत है उसका करने का. मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखाते जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपको आना चाहिए वो. तो वन बाय ओमेगा सी. आई नॉट कितना बन जाएगा? तो आई नॉट इस चीज में बन जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स सी. एंड आई विल, आई लीड्स ई बाय फाइव बाय टू. इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा. इसका फेजर प्लस सॉल्यूशन प्लस वेवफॉर्म प्लस फेजर, आपको क्या क्या करना है? इसका सॉल्यूशन प्लस वेवफॉर्म प्लस फेजर, इसका भी सेम सॉल्यूशन प्लस वेवफॉर्म प्लस फेजर, इसका भी सेम सॉल्यूशन प्लस वेवफॉर्म प्लस फेजर. रेडी रखो अपने पास, बी रेडी विद द स्टफ. ओके, इसके बाद एक लाइन बनाते हैं. इसके बाद हमने सीखा था एलसीआर सर्किट, तो ये सब चीजें अभी अभी हम यूज करने वाले हैं. तो एक कागज पे उसको लिख के रखो, एक कागज पे उसको लिख के रखो, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर फर्दर स्टडीज. सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर. तो यहाँ पे तीनों भी आएगा. यहाँ पे आएगा आपका जेड. जेड को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस. और वो जेड कैसे लिखेंगे? जेड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल ब्रैकेट स्क्वेयर. आई एम, यहाँ पे आई एम लिखा हमने, आई नॉट आई एम लिखा, वही सेम पीक वैल्यू. आई एम कितना आ गया? QM into omega. I am को कितना लिखा? QM into omega. Are you getting my point? Okay. तो उसका वैल्यू कितना बन जाएगा? VM upon Z. बराबर. तो ये बन जाएगा, आई एम कितना बन जाएगा आपका? VM upon Z. ये एक फॉर्मूला बन गया है आई एम निकालने के लिए. अगर आपको QM and omega दिया है तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर आपको इंपीडेंस दिया है और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका सॉल्व करने के लिए. बन गया बेटा? ओके, इसके बाद में हम लिखेंगे थोड़ा कुछ अलग. ओके, ओके, इसके बाद में कल वाला मैंने आपको क्या बताया था? ये आपका
यह आपका वी वी है, वी 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 एम, ओके। और ये आपका क्या है, तो वी बोलते हैं इसको ना, वी आर आर वी आर, और इसको बोलेंगे वी सी माइनस वी एल। यहाँ पे लिखता हूँ, कल आपको मैं बताया था ये, इसको लिखते हैं वी सी माइनस वी एल। तो मैंने कल आपको बताया था पैलोग्राम लॉ यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकालना है अपन को, वो सॉल्यूशन निकालने के बाद मेरे को मिल जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना लिखेंगे हम, रिजल्टेंट को लिखेंगे V, और V का फॉर्मूला आपने अभी अभी मैंने लिखा था, अभी 10 बार लिख के हुआ, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ से जो फाई मिलेगा आपको, ये मिलेगा, तो टेन फाई आपका कितना आता है, वी आर अपॉन वी सी माइनस वी एल, समझ गए बेटा, वी आर अपॉन वी सी माइनस वी एल। तो वी आर कितना बन जाएगा, आई नॉट इंटू आर, वी सी कितना बन जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी, आई नॉट इंटू एक्स एल। तो आपका टेन फाइव कितना बन जाएगा, तो टेन फाइव बन जाएगा आपका, ये आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल। ये ही टेन नॉट टेन फाइव हम हियर इन एल सी आर वी आर वी राइट tan inverse phi कितना आएगा आपका, xc minus xl upon r। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पे यूज होता है, यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ पावर। पावर डिसिपेशन आपके सर्किट का कितना हुआ, ये क्या हुआ, उसका इंडक्टर का पावर कितना हुआ, रेजिस्टर का पावर कितना हुआ, कैपेसिटर का कितना होगा, वो जो है आपको वो बताने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, ओके। अभी हम चलते हैं आगे के लिए, नाउ विल गो फॉर द न्यू क्वांटिटी। टुडे मोस्टली वी विल फिनिश दिस टॉपिक, एंड इसके बाद में ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, वो कंडीशंस का हम स्टडी करेंगे। एक एक कंडीशन में मेरे पास लिख के ले लूँगा, और एक एक आपको उसका प्रिंट भी भेजूंगा आपको, और यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एल आर सी आर एल सी आर सी, ये जो टिपिकल सर्किट है वो, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सर्किट का रेजोनेंस डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, रेजोनेंस एंड इट्स शार्पनेस। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में व्हेन वी अप्लाई प्योर एसी टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। सो मैं पहले लिखता हूं, व्हेन गिवन सर्किट means current through it, when given circuit matlab current through the circuit oscillates with तो ये कैसे होता है, द फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो फॉर रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस ऐसे आएगा, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी
ड्राइवर मतलब जो ड्राइव कर रहा है इज इक्वल टू ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ओके, अगर आपका आपने प्रोवाइड किया हुआ फ्रीक्वेंसी मतलब ये कौन सा आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, इसको बोलता हूं मैं फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय अप्लाइड एसी सोर्स, और ये क्या आएगा फ्रीक्वेंसी विथ विच सर्किट करंट विल ऑसिलेट, फ्रीक्वेंसी विथ विच सर्किट करंट विल ऑसिलेट। तो ये क्या है, ये कैसे पता करते हैं, ये आपको मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेशन टॉपिक में सीखा था, एक ब्रिज है, द ब्रिज इज डेवलप्ड बाय सोल्जर्स, आर्मी ब्रिज, नॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन मीन्स कॉन्क्रीट एंड ऑल, नो इट इज ऑफ सम मेटल्स, मेटल पार्ट्स, छोटा वाला नहीं लकड़ी का बना है, लकड़ी का ब्रिज बना है। अभी ब्रिज के ऊपर से सोल्जर्स समझो मार्च करते जाएंगे, वन टू स्टेपिंग, तो सोल्जर्स तो डिसिप्लिन में होते हैं, ओके तो वो मार्चिंग करेंगे तो एक दो एक, एक दो एक, ऐसा इस इन दिस वे दे विल मार्च, एंड सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्चिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मार्चिंग इफ इट इज इक्वल टू नेचुरल, हर एक सब्जेक्ट को हर एक को, ये मेरा मोबाइल है अभी, ये मार्कर है, मैं खुद हूँ, मेरा ये स्पेक्ट है, सब सब एवरीथिंग, ये वॉल है, ये बोर्ड है, एवरीथिंग दे हैव देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी विथ विच दे वाइब्रेट। अगर ये वाइब्रेट होने लगा तो जो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिक्यूलर ऑब्जेक्ट। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी विथ विच ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स नेचुरली इज कॉल्ड एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पर्टिक्यूलर ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने जो सर्किट कंपोनेंट तैयार किया है एल सी आर, वो मिला के उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो वो करंट का हमने फॉर्मूला लिखा है आईएम, आईएम के लिए आईएम वाज द पीक वैल्यू, तो अगर आईएम को हम पीक वैल्यू लेते हैं क्यू एम इंटू ओमेगा, मैंने आईएम कैसे लिखा है, आईएम कैसे लिखा था मैंने क्यू एम इंटू ओमेगा, तो ओमेगा यहां पे बनेगा उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसका किसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगा अपने सर्किट का। तो अगर हमने जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किया है वो अपने सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, एंड इन रेजोनेंस कंडीशन द सर्किट ऑसिलेट्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सर्किट कैसे ऑसिलेट होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होता है, सर्किट ऑसिलेट होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उस फिनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो अभी रेजोनेंस निकालने के लिए हमने क्या बोला है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो अभी कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए अपन को फॉर्मूला क्या दिया है, अपन को फॉर्मूला दिया है तो आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, किसका आना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू आपको निकालना है। तो रेजोनेंस के लिए आपको कंडीशन निकालना है एक्स सी इट शुड बी इक्वल टू एक्स एल,
क्यों, ये ऐसा क्यों आएगा? तो आपका जो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें हमने एक चीज़ लिखा था, तब तक आप इसको नोट डाउन करके रखो, ओके? ये नोट डाउन करो, इसके बाद में हम सीखेंगे ये कैसे आता है, ओके बेटा? ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था x इज इक्वल टू एक्स एल, ये कैसे आता है? तो मैंने क्या बताया आपको, फ्रीक्वेंसी विथ विच सर्किट करंट विल ऑसिलेट। तो सर्किट करंट कैसे आपको दिया है, सर्किट करंट आपको मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया है, करंट कैसे बनेगा, एक तो क्यू एम इंटू ओमेगा लिखेंगे, और अपन के लिए आई एम विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। तो मेरा आई एम क्या बन गया, वी एम अपॉन जेड। तो यहां से हम आगे जाएंगे, आपने तो नोट डाउन करके लिया है, यहां पे हम आगे जाएंगे। तो रेजोनेंस में क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, वो कैसे आता है अभी आपको दिखाते हैं हम, ओके ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन रेजोनेंस कॉमा करंट विल ऑसिलेट विथ मैक्सिमम वैल्यू। तो वी हैव, आपको क्या है, आपको क्या मिल गया है, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। तो वी एम अपॉन कितना लिखेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आई एम विल बी मैक्सिमम, आई एम कब मैक्सिमम होगा, आर एक्स सी एक्स एल को हम जीरो नहीं कर सकते, बराबर, उनको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे एक्स सी माइनस एक्स एल है उसको तो जीरो कर सकते हैं। मतलब क्या, इसको और इसको, एक्स सी एंड एक्स एल इफ दे विल बी सेम, इफ एक्स सी एंड एक्स एल इफ दे विल बी सेम, इफ एक्स सी एंड एक्स एल दे विल बी सेम, तो क्या हो जाएगा मेरा, मेरा सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये मेरा अगर सेम हो जाएगा then xc minus xl will be zero and only it will be remaining with r square। तो ये उसका बन जाएगा, क्योंकि denominator अपने को कम करना होगा, if you have to increase the answer you have to decrease the denominator, तो उसके लिए xc minus xl, so ये max होने के लिए we want xc minus xl to be equal to 0 implies xc will be xl। So, पहला condition क्या बन गया मेरा? For the resonance, the first condition is the value of inductive capacitive reactance and inductive reactance must be equal। Capacitive reactance must be equal to your inductive रिएक्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस बनना चाहिए। अभी XC क्या है, देयरफॉर XC है 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं, 1 बाय LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इधर डाला L को इधर डाला, therefore क्या मैं लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एल सी, और इस ओमेगा को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पे ओमेगा इज कॉल्ड एज, सो ओमेगा इज कॉल्ड एज, ओमेगा को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एक तो इसको ये बोलेंगे, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो ये बन जाएगा मेरा ओमेगा, तो ओमेगा क्या बन गया मेरा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया, किस किस का ग्राफ प्लॉट किया, तो आई एम किसके साथ वैरी करेगा, किसके साथ वैरी करेगा, ओमेगा के साथ वैरी करेगा।
ये वन मिल जाएगा, वन बाय रूट ऑफ एल सी। तो अगर मैंने आई एम वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ किया, ये ओमेगा, तो मुझे मिलता है कैसा एक ग्राफ स्ट्रक्चर मिलता है। तो ग्राफ स्ट्रक्चर मुझे ऐसे मिलता है, ये ऐसे ऊपर जाता है, एक मैक्सिमम वैल्यू लेता है और बीच में फिर से आता है। ओके, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ओमेगा मैक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ओमेगा मैक्स बन गया, मतलब ये अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, और यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू का करंट मिलेगा, यहाँ पे बोलेंगे हम आई मैक्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कर्व इन ईच एंड एवरी एग्जाम एट मेनी स्टेजेस, दिस कर्व will be asked for the resonance. In resonance, current will oscillate with maximum value. So let me repeat everything in 2 minutes. Resonance means when your driver frequency is equal to driven frequency. Driver frequency is the frequency with which our input is oscillating, whatever AC we are giving. With that frequency, it is oscillating the same as output. मतलब अपना जो circuit जिस frequency में करंट अपना ऑसिलेट होगा, तो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी मतलब एसी का फ्रीक्वेंसी, दिया हुआ फ्रीक्वेंसी और करंट का फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर रेजोनेंस होता है तो अपना सर्किट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। तो अपने के लिए वी हैव फॉर्मूला फॉर करंट, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। तो जेड कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर, उसका रूट। तो ये इसको अगर हम इक्वल करेंगे एक्ससी और एक्सएल को, तो ये जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन जाएगा तो वी एम अपॉन आर इतना ही बन जाएगा, वो वी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे वो ऐसे बन जाएगा एक्ससी इक्वल टू एक्सएल। और इसको बनाने के लिए हमने ओमेगा कितना मिलेगा, वन अपॉन रूट ऑफ एससी। ओके, ये बन गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां से आपको अगर फ्रीक्वेंसी लिखना है, ओके फ्रीक्वेंसी एफ लिखना होगा, तो एफ विल भी कितना हो जाएगा बेटा, f is 1 by t, f is 1 by t, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, नहीं तो ओमेगा को 2 पाई f लिखते हैं, तो t is equal to 2 पाई अपॉन ओमेगा, बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं 1 by 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा कितना है अपना, ओमेगा कितना है, ओमेगा है अपॉन 1 by रूट ऑफ एल सी। तो लास्टली कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली ओमेगा का फॉर्मूला ले लो, नहीं तो डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, ओमेगा को कितना लिखो, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। एफ एकदम सिंपल है, इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू, ये 2 पाई को इधर ले लो, 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी, ये बन गया आपका। So in this way, we can go with the frequency of resonance. So this graph is very important for you. Now we'll go for the next thing. और वो next thing क्या है, उसका पता करेंगे, उसको बोलते हैं sharpness of the resonance. उसको क्या बोलते हैं बेटा, it is called as sharpness of the resonance. मतलब क्या, मतलब आपका resonance कितना sharp है, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितना है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, लेट मी शो यू। वही ग्राफ में फिर से निकालता हूं, आई एम वर्सेस ओमेगा, आई एम वर्सेस ओमेगा मैंने निकाला। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपको निकाल के दिखा सकता हूं। ये बन गया एक ग्राफ, ओके दूसरा एक ग्राफ बनाता हूं, ये बन गया दूसरा ग्राफ। स्ट्रक्चर तो सेम है बेटा, ये बन गया तीसरा ग्राफ। ये तीन ग्राफ में फर्क क्या है, और एक ग्राफ बनाता हूं जो एकदम हाइक करे। तो ये तीनों भी ग्राफ में अगर मैंने देखा तो मेरा ओमेगा मैक्स तो उतना ही है ना,
ओमेगा मैक्स तो उतना ही है, लेकिन उसी टाइम को मैंने अगर आई मैक्स देखा तो वो अलग है, तो ये बन जाएगा शार्पेस्ट, मोर शार्प, एंड दिस इज लेस शार्प, क्योंकि ये एकदम एकदम फ्लैट ही है ऐसा। तो ये निकालने के लिए, सो टू फाइंड आउट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्या करते हैं, वी टेक टू फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा वन लेते हैं, इज ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, एक छोटा सा एक अपना ये ओमेगा वन ले लेंगे, वो थोड़ा उसको, हाँ तो ये ओमेगा लिखा ना, इसको ओमेगा मैक्स नहीं, ओमेगा भी खाली लिखा तो चलता है, ये मैक्सिमम वो आपको समझ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा टू ले लेंगे ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा। तो वो कैसे करते हैं वो अभी आपको मैं करके यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर से मैं ग्राफ निकालता हूँ, यहाँ पे मैंने ग्राफ निकाला, आई हैव टेकन दिस एज आई एम, दिस एज ओमेगा, I am going up, omega going here, and I will take now one graph. तो आपका ये बन गया omega, और आपने उसके अगल बगल में आजू बाजू में दो पॉइंट लिया, एक पीछे और एक आगे, जिनके लिए आपका करंट कांस्टेंट है, यहां पे जो लिखी हुई। तो यहां पे अगर मैंने लिया और यहां पे, ओके, तो यहां पे इसको मैं ओमेगा वन बोला और यहां पे मैं इसको बोला ओमेगा टू। तो अभी बीच में ये जो पोर्शन बचता है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, बीच वाला ये जो पोर्शन है मैंने जो रेड कलर से आपको करके दिखाया है, सो हाउ वी कैन गेट दिस पोर्शन। तो ये पोर्शन देखने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, ये पोर्शन बनेगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, तो वो कितना बन जाएगा बेटा, तो वो बन जाएगा ओमेगा वन में मेरा कितना है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा। तो साइन मैंने चेंज किया अगर अंदर अंदर वाला, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ये बन जाएगा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, इसको अंदर शिफ्ट करता हूं माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा ने ओमेगा को काटा तो लास्टली क्या मिल गया मुझे, टू डेल्टा ओमेगा। तो मेरे को क्या मिल गया, देयरफॉर आई गॉट ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इज इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा, और इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं बैंडविड्थ। तो लोअर इज द बैंडविड्थ, हायर इज द शार्पनेस, हायर इज द बैंडविड्थ, लोअर इज द शार्पनेस। देखो बेटा, तो यहां पे मैंने उन लोगों का जो ये निकाला है बैंडविड्थ कितना आता है, ओके, तो बैंडविड्थ निकालने के बाद अपन को ये पता कर सकते हैं हम, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वो शार्प कितना है आपको देखना है, तो एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी के लिए आप देख सकते हो, तो छोटी सी फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे डेल्टा ओमेगा के लिए करंट ये है, वही डेल्टा ओमेगा के लिए करंट इसके लिए आगे का है, तो वी मे फाइंड आउट द डिफरेंस। तो ये बताने से अच्छा है ये हम टू डेल्टा ओमेगा देख सकते हैं। तो बैंडविड्थ जितना हम बैंडविड्थ बड़ा करेंगे उसका उतना शार्पनेस कम हो जाएगा, और जितना हम बैंडविड्थ छोटा करेंगे उसका शार्पनेस बड़ा बनता जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एवरीथिंग अबाउट द बैंडविड्थ एंड शार्पनेस। लेट मी चेक द टाइम, ओके, तो ये सब बन गया अपना रेजोनेंस के लिए, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके बाद हम जाएंगे अपने लास्ट पॉइंट में, वो है पावर इन LCR सर्किट। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन,
I'll give you some time and then I will go for power in LCR circuit. So it's going to note down. अभी हम निकलते हैं पावर इन एलसीआर सर्किट. तो हम नाम लिखते हैं पावर इन एलसीआर सर्किट. ओके, यहां पे मुझे मालूम है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. ओके, अगर पावर लिया आपने, पावर एक तो वो इंस्टेंटेनियस हो सकता है और एक हो सकता है एवरेज पावर. तो यहां पे वी विल कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड्स द एवरेज पावर. तो एवरेज पावर कैसे लिखते हैं? सो अपन को अगर एवरेज पावर दिखाना है तो एवरेज पावर इज शोन बाय पी एवरेज. एवरेज पावर इज शोन बाय पी एवरेज. तो ये कैसे दिखाते हैं? तो ये दिखाने के लिए पहले हम उसका पी का फॉर्मूला लिख के लेते हैं. तो पी इज इक्वल टू वी आई. तो अभी मेरा क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. ओके, और आई को मैंने कैसे बताया था आपको? आई को मैंने आपको बताया था, आई कैसे आएगा आपका? आई बन जाएगा आयन, ये कॉस था, उसको क्या लिखा था हमने? कॉस ना, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव. इसको ऐसे बनाया था. तो ये अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ये बनता है वी एम आई एम, और यहां पे वो सब करने से तो अपन को मिलता है कॉस फाइव. कॉस फाइव एक्चुअली ये फॉर्मुलेशन है, अभी मैं करके नहीं दिखाता हूँ. ये साइन ओमेगा टी इंटू, ये बाजू रखो इसको, ये ऐसे करेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव. बाद में क्या करने का? साइन ओमेगा टी वैसे ही रखने का, कॉस कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस, ये प्लस माइनस वो सब करके उसको एडजस्ट करके वो आता है. तो अगर मैंने उसको किया तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन डायरेक्टली राइट, ये आपको आपके लिए नहीं है, आपको डायरेक्टली, आपको ये भी ध्यान में मत रखो डायरेक्टली, मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखो जो आता है कॉस फाइव में, तो वो हम ध्यान में रखेंगे. पी इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू इंटू कॉस फाइव. तो इसको मैंने अगर थोड़ा सा चेंज किया, कैसे चेंज किया? टू को मैं लिखूंगा रूट टू रूट टू इंटू कॉस फाइव. पी क्या मिलेगा? पी क्या मिलेगा? वी एम अपॉन रूट टू आई एम अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव. आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. तो अभी ये क्या मिल गया? तो P मिलेगा मेरे को V R M S into I R M S into cos, sorry, cos phi. समझ गए? ये RMS value of voltage, RMS value of current into cos phi. तो आपको एक याद में रखना होगा, you have to keep in mind whenever you are calculating anything, try to take not the peak value, you have to take the RMS value. Note down while solving problems.
always refer RMS value and not peak value. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको नोट डाउन करके लो. आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको क्या याद में रखना है, आपको RMS वैल्यू का ख्याल रखना पड़ेगा. तो ये सिंपली वी कैन सिंपली राइट V इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाई. ओके ओके, ये एवरेज वैल्यू निकाला मैंने. ओके नाउ बट V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, I इंटू जेड बराबर आई आर ना, तो मेरा पावर कितना बन जाएगा, तो मेरा पावर ऐसे भी बन सकता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाई. और यहां पे जो आपका कॉस फाई बनता है, कॉस फाई इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वी आई एम पी. और ये कॉस फाई डिसाइड करेगा कि आपके सर्किट में कितना पावर डिसिपेशन हो जाएगा. कॉस फाई डिसाइड्स हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट. हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट. ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक और ये नंबर दो, ये आपको ध्यान में रखना है कॉस फाई का. तो इसके बाद अभी क्या करेंगे, सब प्योर आर प्योर एल प्योर सी के लिए सबके लिए हम कैलकुलेट करेंगे. ओके तो यहां से हम आगे जाएंगे. पहला सर्किट लेता हूं, नंबर वन. फॉर प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आर. प्योर रेजिस्टर के लिए हमने बताया था, नंबर वन आई एंड वी आर इन फेज. अगर वो इन फेज है इंप्लाइज, सो क्या बन जाएगा, इन फेज है, सो मेरा फाइ कितना बन जाएगा, जीरो. अगर फाइ जीरो है इन फेज है ना, फाइ जीरो हो जाएगा, फेज डिफरेंस नहीं है उसमें, तो कॉस फाइ कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा. कॉस फाइ वन बन जाएगा, देयर फोर पी इज इक्वल टू कौन सा भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है. पी का वैल्यू कितना आएगा, V into I into cos phi, ये बन जाएगा मेरा 1, तो ये वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगा. ओके सो देयर इज अ पावर डिसिपेशन. ओके तो यहां इसके बाद सेकंड के लिए जाते हैं, प्योर L और प्योर C दोनों का इकट्ठा लेते, क्यों. So, इसमें क्या है, करंट आइदर लीड आइदर लैग, मीन्स फॉर एल बोल रहा हूं, और लीड किसके लिए है, फॉर सी. वोल्टेज ठीक से इसको ध्यान से पढ़ो उसको, मैंने क्या लिखा, करंट आइदर लैग इंडक्टर के लिए और लीड, लैग किसके लिए, फॉर इंडक्टर, और लीड किसके लिए, फॉर कैपेसिटर. ओके वोल्टेज बाय पाई बाय टू, तो यहां पे इंप्लाइज मेरा फाई कितना बनेगा, फाई बनेगा पाई बाय टू, तो मेरा कॉस फाई कितना बनेगा, कॉस फाई विल बी कॉस पाई बाय टू विल बी जीरो, देयरफॉर माय पी विल बी जीरो. सो इफ द सर्किट इज आइदर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव, देर विल नॉट बी एनी पावर कंजम्पशन. सो
पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन मीन्स वेस्टेड, वेस्टेड मीन्स यूज्ड, यूटिलाइज, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू जीरो. तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको बोलते हैं वैटलेस करंट. ये बोर्ड में आपको 100% आता है और आपके कॉम्पिटिटिव में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो VIMP है, उसको VIMP करके लो. ओके, तो क्या लिखेंगे, इन प्योर एल और प्योर सी सर्किट, मतलब प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट, एज फाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, सो पावर डिसिपेशन इज जीरो, सो करंट इन दिस केस, सब लिख के दे रहा हूं बेटा, इन दिस केस करंट, इन दिस केस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं मेरा, करंट को बोलते हैं वेटलेस करंट, वेटलेस करंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वेटलेस करंट का डेफिनेशन कैसे बन जाएगा, इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आवर पावर डिसिपेशन इज जीरो, सो वॉट एवर करंट वी विल गेट इन दैट सर्किट इट कैन बी रेफर एज अ वेटलेस करंट. समझ गया बेटा, तो फिर से आपको इसको दोहराता हूँ. प्योर रजिस्टर लिया, IV इन फेज जीरो बन जाएगा, cos जीरो वन बन जाएगा, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाएगा. करंट यहाँ पे फॉर L फॉर C लैग और लीड पाई बाई टू, तो cos पाई बाई टू जीरो बनता है, पावर डिसिपेशन जीरो बन जाएगा. और ये जीरो बनने से क्या हो जाएगा, जो करंट हो जाएगा वो विदाउट पावर डिसिपेशन हो जाएगा, इसलिए पावर का ये ऐसा यूनिट क्या है, वैट. तो वैट लेस मीन्स पावर डिसिपेशन लेस करंट, अ करंट विच विल नॉट डिसिपेट एनी पावर इज कॉल्ड एज पावर डिसिपेशन लेस करंट, एंड पावर मीन्स वॉट, वैट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ वैट लेस करंट. तो अभी आगे जाते हैं थर्ड के लिए सीरीज एलसीआर. तो सीरीज एलसीआर में क्या क्या बन जाएगा, एल सी एंड आर. तो यहां पे तो पावर डिसिपेशन इज जीरो, तो इन सीरीज एलसीआर क्या हो जाएगा, इन सीरीज एलसीआर द पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, विल बी ओनली थ्रू आर एंड नॉट थ्रू एल एंड सी, और एल एंड सी द कॉम्पोनेंट विल डिसाइड. ओके, वो हमने क्या लिखा था, वो tan इनवर्स phi इज xc माइनस xl अपॉन r लिखा था हमने. तो द पावर डिसिपेशन इज डिसाइडेड फ्रॉम tan phi वैल्यू, तो tan phi वैल्यू से हम cos phi निकाल सकते हैं. आर गेटिंग माय पॉइंट, tan phi मिल गया अपन को, अगर अपन के पास tan inverse phi है तो उससे हम tan phi निकाल सकते हैं, उसको उल्टा करके, तो उसको इक्वेट करो sin phi अपॉन cos phi, तो वो निकाल के हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, वी कैन डू दैट. एंड लास्ट वन इज फॉर सीरीज LCR इन रेजोनेंस. रेजोनेंस में क्या होता है, XC इज इक्वल टू XL, सो XC माइनस XL विल बी इक्वल टू जीरो, XC माइनस XL इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पे हमने Z cos phi, Z sin phi आपने ध्यान में रखा वो, हाँ, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, Z इज इक्वल टू आई थिंक R बन जाएगा, Z इज इक्वल टू R बन जाएगा, और यहां पे आपका पावर, यहां पे भी आपका पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम. आपका पावर डिसिपेशन कितना बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा. सो बेटा, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पावर इन एसी सर्किट.
तो यहाँ पे हमने सीखा है पावर कैसे निकालते हैं, कॉस फाई कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में उसका बाकी भी जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं. सो इन दिस वे वी हैव ट्राइड टू समराइज एवरीथिंग एवरीथिंग आई हैव टॉट टू यू. एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर योर नोट्स, ट्राई टू राइट योर नोट्स वंस अगेन. आपके पास अगर राइटिंग पैड है वो मिलता है ना अभी डिजिटल, नहीं तो स्लेट भी ले सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू टू परचेस अ स्लेट, लेकिन अभी स्लेट का ज़माना गया तो आपको वो राइटिंग पैड मिलता है एक 500-700 रुपये में मिलता है. इफ़ यू आर यू कैन अफोर्ड दैट, मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग, ऐसा छोटा वाला मिलता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, नहीं इससे नहीं है, थोड़ा दिखा तो आपको इतना इतना होता है, एकदम इतना सा होता है, तो उसके ऊपर वो आपको स्टाइलस भी मिलता है, उससे आप कर सकते हो. एक बटन होता है उसको आप डिलीट भी कर सकते, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया पीस है, वो बढ़िया एकदम एप्लीकेशन है, तो वो करो. दूसरा ऑप्शन स्लेट ले लो, स्लेट और पेंसिल. तीसरा ऑप्शन वो भी नहीं है तो पुराने नोटबुक के पेज बनाओ एंड पेन. ओके, सो स्लेट स्लेट एंड पेंसिल टेक्निक और राइटिंग पैड नोट पैड टेक्निक और पेपर एंड पेन टेक्निक. यू हैव टू उठा आपको पेन उठाना पड़ेगा, वो जो स्टाइलस है वो उठाना पड़ेगा, और आज से ही आपको ये सब लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज इन योर बोर्ड एग्जाम डोंट ब्लेम मी दैट सर आवर प्रैक्टिस वॉज नॉट देयर. बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है. सो अभी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स द सेम टाइम यू ट्राई फॉर द डेरिवेशन. तो आज अभी इस टॉपिक में आपको डेरिवेशन बता के रखता हूँ. पहला सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका प्योर आर, उसका डेरिवेशन और करके रखो. देन प्योर एल करके रखो, प्योर सी सेपरेटली करके रखो, एलसीआर विथ फेजर सॉल्यूशन, एलसीआर विथ एनालिटिकल सॉल्यूशन, देन पावर, उसके पहले रेजोनेंस, रेजोनेटिंग कंडीशन. आपके एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन भी उसका दिया है, डेरिवेशन किया तो भी चलता है, नहीं तो दो तीन स्टेप में उसको कंप्लीट किया तो भी चलता है. यहाँ पे मैंने डेरिवेशन ये स्किप किया है, मैंने खाली आपको ओमेगा नॉट का दिखाया, वो टू डेल्टा ओमेगा, वो बहुत उसके क्वालिटी फैक्टर वगैरह है, वो मैं देख रहा हूँ, शायद इसके बाद में जब हम स्कूल चालू करेंगे तब मैं उसका आपको रिवाइज करूंगा, तो आपको वो एग्जाम के लिए यूज होगा. आज सिखाने से कुछ नहीं, भूल जाओगे तो उस टाइम मेरे को आप याद में दे दो. वो क्यू फैक्टर बोलते हैं उसको, क्वालिटी फैक्टर, वो बोर्ड के लिए आता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता है, अगर आ गया तो बीच में आपको वो सिखा के कंप्लीट करूंगा. सो इन दिस वे, हाँ, एंड लास्टली लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द पावर. तो इसके बाद बचता है अपना एलसी ऑसिलेटर और ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर तो पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका, तो एलसी ऑसिलेटर अभी हम कंप्लीट करेंगे अगली लेक्चर को. नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप विद एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, आरसी सर्किट सब, एंड देन एलसी ऑसिलेटर मतलब पैरेलल, एल पैरेलल सी, तो उसको ऑसिलेटर कैसे करते हैं, ऑसिलेट कैसे होता है सर्किट, वो देखेंगे. सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड टुमारो वी विल कम अप विद एलसी ऑसिलेटर. सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स. ओके.